नमस्कार, nishamadhulika.com में आपका स्वागत है। आज हम गाजर का हलवा बनाएंगे। गाजर का हलवा, गाजर को दूध में उबाल करके भी बनाया जाता है, गाजर को कंडेंस मिल्क के साथ मिलाकर बनाया जाता है और गाजर में मावा डाल करके भी बनाया जाता है। मावा डाल करके हलवा बहुत जल्दी बन जाता है, तो आज हम गाजर का हलवा मावा डालकर बनाएंगे। आइए देखें गाजर का हलवा बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। गाजर 1 किलो, मावा 250 ग्राम, चीनी 250 ग्राम, दूध 1/2 कप, छोटी इलायची 4, किशमिश 1 टेबल स्पून, काजू 1 टेबल स्पून, बादाम 5। तो हलवा बनाने के लिए सबसे पहले हम गाजर को छील करके और जदर से डंठल हटा करके धो करके तैयार कर लेंगे। तो वो हमने तैयार कर लिए हैं, गाजर छील करके धो करके सब डंठल हटा लिए हैं, ये तैयार गाजर है और इनको हम सबसे पहले कद्दूकस कर लेंगे। गाजर को कद्दूकस कर लेते हैं। तो कद्दूकस हम फूड प्रोसेसर में या मैनुअली कद्दूकस से कद्दू कर सकते हैं। ये गाजर हमने कद्दूकस कर लिए हैं और कढ़ाई को हमने गैस पे गर्म होने रख दिया। गाजर को कढ़ाई में डाल देंगे। और गाजर के साथ हम ये दूध डाल देंगे। गाजर को ढक करके हम उबलने रख देंगे और 5-6 मिनट बाद इसे चेक कर लेंगे। तब तक हम हलवा के लिए ड्राई फ्रूट काट के तैयार कर लेते हैं। काजू को 1 काजू के 4 टुकड़े करते हुए काट लेते हैं। बादाम भी 1 बादाम के 4-5 टुकड़े कर लेते हैं। थोड़े से बादाम हम बारीक काट लेंगे जो हमें हलवे के ऊपर सजाने के लिए चाहिए होंगे। 5 मिनट हो गए हैं, हलवा को हम चला देते हैं और चेक भी कर लेते हैं। थोड़ा और हम इसे 5 मिनट उबलने देते हैं। अभी थोड़ा सा गाजर अभी उतनी नरम नहीं हुई है, तो थोड़ा 5 मिनट के लिए और रख देते हैं और फिर चेक करते हैं। गाजर को चेक कर लेते हैं। चला देंगे अच्छे से चमचे से। गाजर नरम हो रही है और अब हम गाजर में चीनी डाल करके मिला देंगे। दो 3 मिनट के लिए ढक देते हैं और फिर चेक करते हैं गाजर को, चीनी मेल्ट हो जाए। गाजर चेक कर लेते हैं, चीनी मेल्ट हो गई है। अब हम खुले में गाजर को जब तक पकाएंगे, जब तक कि ये सारा जो गाजर से जूस निकला हुआ है जल नहीं जाता, और तब तक ये जूस जलता है तब तक हम मावा भून के तैयार कर लेते हैं। तो गाजर को इधर रख देते हैं हम पकने के लिए और इधर मावा भून लेते हैं।
पैन गरम हो जाए, पैन में मावा डाल करके क्रम्बल कर लेते हैं मावा को। पैन गरम हो गया है और मावा को क्रम्बल करके अब पैन में डाल करके हल्का, एकदम हल्का ब्राउन होने तक भून लेते हैं। मावा भून गया है तो मावा को अब हटा के रख देते हैं और अभी हलवा को और पकाना है। ये गाजर में से रस जल गया है, अब बहुत ही कम है, इतना हमें चाहिए। तो अब हम घी डाल करके, एक टेबल स्पून घी डाल करके हम गाजर को भून लेंगे थोड़ा सा, 2 मिनट। एकदम अच्छी सुगंध आने लगी है। और अब हम ये मावा डाल देंगे। अच्छे से मिलने तक हम मावा को मिलाएंगे गाजर में। मावा भुना हुआ है, गाजर भी कुक हो गई है, हलवा एकदम बनने वाला है। ड्राई फ्रूट भी, काजू, बादाम, किशमिश, ये सब भी डाल के मिला देंगे। गाजर का हलवा तैयार हो गया है और अब हम गैस बंद कर देते हैं और इलायची पाउडर डाल के हलवा में मिला दें। हलवा के ऊपर हम काजू बादाम डाल करके सजा देते हैं। गाजर का स्वादिष्ट हलवा तैयार है। गाजर के हलवा को फ्रिज में रखकर 7 दिन तक खाइए। आप गाजर का हलवा बनाइए और अपने अनुभव nishamadhulika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं nishamadhulika.com पर।